एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो जी आज की जो वीडियो की शुरुआत है ना, वो हमारा जो किचन है ना मेसी सा, उसके साथ हो रही है। और वीडियो में आज ज़्यादा व्लॉगिंग थोड़ा कम करेंगे। आज आपको दिखाएंगे जी पानी पूरी कैसे बनाती हूँ मैं घर पे, पानी पूरी की रेसिपी आज के आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो है आलू बॉयल कर लिए हैं, यहाँ पर ब्लैक चने बॉयल कर रहे हैं, आलू और ब्लैक चने का एक मसाला बनाएंगे। दूसरा यहाँ पर अभी वाइट पीस है तो इसको जो है ये भी बॉईल करने हैं, एक मसाला इसके साथ बनाएंगे। और उसके बाद ये जो है धनिया पुदीना निकाल के रखा है, इससे हम पानी बनाएंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ना इडली भिगाना भूल गई थी, वो मैंने भिगा दी है, तो कम से कम 2 घंटे इसे भिगाएंगे। हम लोग बनाते हैं पानी पूरी का पानी। तो यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना साफ कर लिया है, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में ही है, पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी कम ज़्यादा अपनी पसंद से आप कर सकते हो। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, तो काफ़ी सारी हरी मिर्ची है, हम कोशिश करेंगे कि लाल मिर्ची पाउडर डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए ढेर सारी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। तो फर्स्ट हम इन्हें अच्छे से, हमारे जो लीव्स हैं हमारी मिर्ची है, अच्छे से इसे धो लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना सब अच्छे से धो के मिक्सी में जो है वो डाल लिया है हमारे यहाँ पर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम डालेंगे काला नमक। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काला नमक, कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है जी। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर जीरा पाउडर, तो 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। और ये हमारा नॉर्मल नमक जो हम लोग खाते हैं वो सिंपल, वो डालेंगे। तो इस वक्त मैंने नमक जो है वो क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, क्योंकि नमक अगर हमें डालना होगा तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना सा ही डाल रही हूँ, ठीक है। बस अब हम इसे बंद करेंगे और इसका जो है एक पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, तो वो भी हम ऐड करते रहेंगे इसके अंदर। ओके जी, तो पेस्ट हमारा हो गया है बहुत अच्छा सा, देखिए हम थोड़ी ना मिर्ची की धांस आ रही है, ठीक है, पेस्ट बढ़िया बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है, तो यहाँ मैं बड़ा एक पतीला ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ऐसी जाली, तो ये स्टेनर होता है ना हमारा, तो उस तरह से इसके ऊपर जो है वो परफेक्टली फिट आ जाए। उसके बाद इस पेस्ट को जो है हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो मोटा स्टेनर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी जो पतला भी नहीं रहेगा, इसमें से काफ़ी लीव्स वगैरह अंदर चले जाएंगे और जो मोटे मोटे टुकड़े होंगे ना वो ऊपर रह जाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम अच्छे से डाल लेंगे, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर करके इसके अंदर हम डालते रहेंगे। तो यहाँ पर जी पानी जो है हमारा वो देखिए बड़ा अच्छा सा स्टेन होकर चला गया है, बहुत कम वेस्ट जो है वो बचा है, लेकिन अभी भी हम इसे फेंकेंगे नहीं, अभी भी इसको हम देखते हैं अगर और हम लोग यूज़ कर सके तो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, तो ये हमारी जो है वो है इमली, इमली जो हमने सो करके रखी थी उसको मैंने मैश करके उसका जो पल्प है वो निकाल लिया है, ठीक है जी। तो बस अब इसे हम साइड में कर देंगे और इसी बर्तन के अंदर जो है हम अपना इमली वाला पानी जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया पूरा पानी, देखिए इसके अंदर थोड़ा वेस्ट बच गया ना, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये धीरे धीरे सारा पानी जो है इसके अंदर वो चला जाएगा। तो जी बस ये देखिए ये पूरा वेस्टेज जो है हमारा निकल गया है, तो अब हम इसे जो है वो हटा देंगे फटाफट से। और यहाँ तो देखिए अभी हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, पानी जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा अभी जो है गाढ़ा है, इसे हम पतला करेंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी, तो ये मेरा इसमें बड़े आराम से 4 लीटर पानी जो है हमारा टोटल जो है वो आ गया है। तो इसके अंदर अभी तक हमने जो मीठा नहीं डाला है, तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ शक्कर। तो घर में हमारी जो नॉर्मल शक्कर होती है उसे मैंने मिक्सी में डाल के पाउडर कर लिया है, आपके पास पाउडर शुगर हो तो वो भी डाल सकते हो, अगर आपके पास जैगरी पाउडर जो शक्कर वगैरह होती है वो डालनी है तो वो भी डाल सकते हो, एज योर चॉइस, जैसे भी आपको अच्छी लगे, तो इतना बस हो जाएगा। तो इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। पानी हमारा बिल्कुल रेडी है, अब बारी है जी हमारे मसाला बनाने की। वैसे भी पानी पूरी का जो है हम लोग थोड़ा लेट खाएंगे, तो मैं इसे बना के पानी को भी फ्रिज में लगा दूंगी। अगर आप इंस्टेंट खाने वाले हो तो आप या तो इसके अंदर ठंडा पानी का इस्तेमाल करो या फिर साथ में आइस क्यूब्स डालो, ठीक है जी, तो ठंडा रहेगा पानी तो ही अच्छा लगेगा। तो बस अभी इसे हम ढक के जो है वो फ्रिज में लगा देंगे। तो जी अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, तो ये मैंने 5 आलू हैं जिन्हें बॉईल करके ठंडा कर लिया है और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से मैश कर लिया है। थोड़ा मैंने इसे मोटा रखा है, बिल्कुल इसका मतलब बोलते हैं ना पराठे जैसा बारीक नहीं किया है, थोड़े मोटे मोटे चंक्स जो मैंने वो रखे हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी ये बॉइल्ड चना, तो ये करीबन 1 कप काले चने हैं जिसे मैंने जो है वो बॉयल करके रखा है, ये इसके अंदर डालेंगे।
फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे भी आप खाना चाहते हो तो आप डाल लीजिए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे जी नमक स्वाद अनुसार। ये हमारा सॉल्ट आ गया इसके अंदर और ये लीजिए, ठीक है जी। और एंड में इसके अंदर हम डालेंगे जी धनिया पत्ती, तो ये धनिया पत्ती जो है वो थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स। बस इसे अच्छे से अभी हम कर लेंगे मिक्स। तो जी लीजिए, हमारे आलू और चने का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये तो हम लोग रखेंगे ठंडा, अभी इसके बाद अभी हम चाट वाला मसाला बनाएंगे जो थोड़ा गर्म होता है। तो चलिए फिर अभी उसे बनाते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे जो वाइट पीस हैं उन्हें भिगो के मुझे 2 घंटे करीबन हो गए हैं, तो अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो गैस मैंने ऑन कर दिया है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक सबसे पहले तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली, कम ज़्यादा होगा तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर कम होगा तो, राइट। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, और एंड में मैंने यहाँ पर लिए हैं जी आलू, तो ये मैंने एक आलू जो है ना वो काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब हम इसे हम अच्छे से कर देते हैं बंद। ओके जी, तो एक भी सिर इसको आ गई है कुकर को, तो मैंने गैस कर दिया है स्लो। अब हम इसे करीबन 20-25 मिनट तक जो है वो स्लो पे ही पकने देंगे। तो जी लीजिए, बटाना चाट हमारी बॉईल हो गई है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब हम इसे फटाफट से जो है वो तड़का लगा लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, बस इतना सा, ठीक है जी। ये 2 छोटे प्याज हैं जो मैंने कट करे हैं, और इसे हम जो है हल्का ब्राउन होने तक जो है वो भूनेंगे। प्याज जो है वो हमारे हल्के ब्राउन हो गए, लाइट ब्राउन, तो बस इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के जो टमाटर हैं वो लिए हैं और वो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। तो टमाटर हमारे यहाँ पर हल्के हल्के मैच हो गए हैं, अभी मैं गैस कर दूँगी स्लो। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आपको चाहिए, थोड़ा सा कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। तो जी बस इसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी पानी पूरी का पानी, ये गोलगप्पे का पानी जो हमने बनाया ना, ये इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। टमाटर हमारे हल्के हल्के मैश हो गए हैं, अब इसके अंदर हम मटर की जो चाट है जो हमने बॉईल करके रखी है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो सारी जो है इसके अंदर डाल, यहाँ पर मैंने पाव भाजी मैशर ले लिया है और इसे लेके हम दाने जो है पूरे आलू वगैरह सब मैश कर देंगे। हल्का हल्का ही मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जो है इसे पेस्ट नहीं बनाना है, बस इतना ही कि वो नरम हो जाए पूरे अच्छे से। तो जी बस इसे अभी हम 5 मिनट तक ऐसे ही खुला पकने देंगे। यहाँ पर हमारी जो चाट है पिछले 5 मिनट से इसी तरह से उबल रही है, बहुत अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया पूरा मसाला इसके अंदर, एंड हमारी जो चाट है वो बिल्कुल रेडी है। ओके जी, पानी हमारा बन गया है, मसाले हमारे दोनों बन गए हैं, अब बारी है पूरी की। तो पूरी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है, एंड अब ये वाली जो पूरी है ये हम बनाएंगे। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, लोकल स्टोर से भी बहुत आसानी से मिल जाती है। इस पूरी का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अलग होता है, जो हम लोग नॉर्मल पूरी सूजी वाली या आटे वाली खाते हैं ये वैसी नहीं बनती है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली वैसा ही टेस्ट चाहिए तो आप बाजार से ऑलरेडी वैसी बनी बनाई जो वो ले आओ, अगर घर में बना सकते हो तो बहुत अच्छा। मुझसे तो नहीं बनती है तो इसीलिए मैं ये वाली जो वो ट्राई करती हूँ। कभी कभी दूसरा पुचका पैकेट्स भी ले आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया जो है वो बन जाता है, ठीक है जी। तो बस अभी हम यहाँ पर पूरी बनाएंगे। यह हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पर मैंने 4-5 पूरियाँ लिए और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो जी देखो ये ऐसे बनेगी, घर में हम खुद से बना रहे हैं, तेल कैसा यूज़ कर रहे हैं हमें सब पता है, तो हाइजीनिक पर्पज़ से ये बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी कुछ इस तरह से जो वो बनती है, थोड़ी पूरी और बना लेते हैं। ओके जी, तो ये है जी हमारी पानी पूरी। तो प्लेट देख के मुँह में बहुत मेरे पानी पानी आ रहा है, फटाफट से इसे मैं अभी खा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।